अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो व्यूवर्स, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो आती है बड़ी गाड़ियों में, ये है निसान कारवान। बात की जाए इसकी किलोमीटर चलने की तो ये 75,000 किलोमीटर तक ये गाड़ी चल चुकी है। व्यूवर्स, अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल की इंजेक्शन की बात करूँ तो ये गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है। मॉडल जो है 2015 का है और ये गाड़ी आपको ग्रे कलर में मिल जाती है। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी के ओनर के साथ रابطہ कैसे कर सकते हैं, गाड़ी की कंडीशन के बारे में बताऊंगा और गाड़ी के प्राइस के बारे में बताऊंगा। लेकिन व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास वाले बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ, गाड़ी का रिव्यू करवा देता हूँ और गाड़ी की पिक्स दिखा देता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो व्यूवर्स, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम इस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो है निसान कारवान। व्यूवर्स, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर के पास मौजूद है। बात की जाए इसकी किलोमीटर चलने की तो ये 75,000 किलोमीटर तक की गाड़ी चल चुकी है। अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल के इंजेक्शन की बात करूँ तो ये गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है। बात की जाए इसकी मॉडल की तो ये 2015 का ये मॉडल है। अगर मैं इस गाड़ी की कलर की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको ग्रे कलर में मिल जाती है। व्यूवर्स, अगर मैं इस गाड़ी की इंजन की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 2500 सीसी का इंजन मिल जाता है। अगर इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर मिल जाती है। व्यूवर्स, अगर इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज गाड़ी आपको नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल जाती है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। अगर मैं इस गाड़ी की सस्पेंशन की बात करूँ तो वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त हालत में मिल जाती है। अगर इस गाड़ी की सीट्स की कंडीशन की बात की जाए तो वो भी आपको नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल जाती हैं। अगर इस गाड़ी की डोर्स की कंडीशन की बात की जाए तो वो भी आपको नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल जाती है। अगर मैं इस गाड़ी की टायर्स की कंडीशन की बात करूं तो वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त हालत में मिल जाती है। व्यूवर्स, ओनर का कहना है कि गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई काम नहीं है, गाड़ी ख़रीदें और चलाएँ। अगर इस गाड़ी की बैक और फ्रंट की बात की जाए तो वो भी आपको नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल जाती है। व्यूवर्स, ओवरऑल आपने वीडियो में गाड़ी को देख लिया होगा, गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। अगर मैं इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये गाड़ी इस्लामाबाद से रजिस्टर है। बात की जाए इसकी लोकेशन की तो ये गाड़ी आपको पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में मिल जाती है। व्यूवर्स, अगर मैं इसकी डिमांड की बात करूं, मतलब प्राइस की बात करूं, तो ओनर ने 38 लाख रुपए डिमांड की है। अगर आप बात करेंगे तो कमी पेशी ज़रूर हो जाएगी। व्यूवर्स, अगर आप ओनर के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, तो ओनर के साथ कॉन्टैक्ट करने का तरीका यह है, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे जो वाइट कलर का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, नीचे ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा और कॉन्टैक्ट लिंक भी आ जाएगी। वहाँ से जाकर आप ओनर से रابطہ कर सकते हैं, अपनी डिमांड से आगाह कर सकते हैं और गाड़ी के बारे में मज़ीद तफसीलात भी ले सकते हैं। व्यूवर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं जो भी कार से रिलेटेड न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें।